के लिए ऐसे कई हिस्सों से गुजरना होगा जिसके रास्ते में एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ एक पहाड़ है। यहाँ एक ओर पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, दूसरी ओर पुल के पार बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा खड़े होने का स्थान बना हुआ है। ये पगडंडी एक छोटी सी गुफा में से होकर निकलेगी जिसके बाहर एक ओर राजा का महल व खूबसूरत झरने हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये गति कितनी वास्तविकता से कम नहीं लगती, कितनी खूबसूरती से कुदरत और कल्पनाओं का मिलन किया गया है। संसार सृष्टि की असीम कल्पनाओं की हकीकत है और इस नगरी में भी उसी भावना का समावेश है। नगरी की तंगरी से बाहर निकलकर दरबारे मम्मी एक खुला मैदान है। यहाँ एक ओर राजा का सिंहासन, उसके दोनों ओर मंत्रियों के बैठने का स्थान और ऊपर एक ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ है जहाँ राज दरबार सजता था और सिंहासन के सामने दोनों तरफ नगरी की आम जनता। ऊपर यहाँ मिट्टी की गेंदों से बनी दीवार है। इन गेंदों को ऊपर कुछ इस तरह टिकाया गया है कि इनके बीच में से आर पार नजर आता रहे। इस दीवार की दूसरी तरफ एक तालाब है। ये तालाब रानियों का खास स्नान गृह था। रानी और उनकी सखियां जब चाहे मिट्टी की गेंदों के पर्दे में से दरबारी आम का नजारा देख सकती थी, मगर नीचे से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। सचमुच ये सपनों की दुनिया की असाध्य कृति है।